ऑडियंस बहुत देख रही है, चेहरा तो दिखा दो। ग्रेट सेम इसको आए थे पहली बार। आई एम अ प्रोफेशनल व्लॉगर फ्रॉम द अर्जुन कॉलेज। ओके के बाद भूल मत जाना हमको, ठीक है? नहीं नहीं वो तो बात भूलने की है। बाप इतना फास्ट में तो समझ नहीं आ रहा। हेलो गाइस, वेलकम टू ब्रेन टीजर व्लॉग। तो एक बार और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। ऑडियंस हमें इस कदर देख रही है, देख सकते हो। मैं आया हूँ आज डूसू का इलेक्शन, देखता हूँ यहाँ पे कैसा होता है। कॉलेज भी कैप्चर करूंगा, ऑडियंस जो भी है बाहर आसपास जो हमारे स्टूडेंट बैठे हुए हैं हमारी तरफ पता नहीं क्यों देख रहे हैं, उनको लग रहा है रोला कटेगा। वो देखो दूर से साइनिंग भी दे रहे हैं, वो देखो दूर से बोल रहे हैं सब्सक्राइब करें। आते ही पहले मैं स्कूल के, कौन सा स्कूल है आपका? अच्छा कौन सी क्लास में आप सर? 11th क्लास में। सेक्शन में किसको सपोर्ट करना चाह रहे हो? फाइनल इधर इधर किस सिस्टम? तो भाई किसका सिस्टम हैंग करना है इस बार? इस बार तो ये अलग जो है, बाकी सारे अपने, बाकी सारे अपने सारे भाई उन्हीं सपोर्ट कर रहे हैं। एनओसीआई का क्या सिस्टम है इस बार? फोन चोरी जाएगा सुनो। अच्छा अच्छा, जो ऑडियंस पे डिपेंड है, रोला इधर उसी का कटेगा लेकिन है। बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग तो वोट डालोगे ही नहीं। अच्छा अच्छा, जो भी स्टूडेंट है उसको मिलके बता सकते आप लोग ऐसे। एग्जाम चल रही है अभी, कल से स्टार्ट है। अच्छा बोर्ड, सॉरी बोर्ड नहीं है ना, 11th है ना। ऐसा लग रहा है कि मैं ऐसे कॉलेज में जाऊँ, ऐसा थोड़ा लग रहा है। कौन से आप जानते चाहते हो कॉलेज में जाएंगे? एनएससीआई कॉलेज चाहिए। वो तो ओपन हो, वो ओपन हो गया। मैं ये पूछना चाहता हूँ जैसे कॉलेज किरोड़ी मल हो गया, हंसराज हो गया, हिंदू कॉलेज हो गया, मिरांडा तो गर्ल्स के लिए हो गया। भाई एसओएल जाएगा, ओपन से करोगे? मगर क्यों? मगर क्यों ओपन से मत करो, रेगुलर भाई, रेगुलर रेगुलर। ओके सिस्टम हैंग, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? घर जाना ना, तेरे जो अब्बा है उसे मेरे बात करवा दिए। अब्बा नहीं मानेंगे। ढोलक वही नहीं तेरा घर? नयन सोनी यहाँ कैसे आ गया सामने देख। हमारा एक नयन सोनी दोस्त अभी आया था लॉयर, लेकिन वो 30,000 कोर्ट चला गया क्योंकि वो प्रैक्टिशनर है, वहाँ प्रैक्टिस कर रहा है। इसमें बैठते हैं तो गाइस आई थिंक यहाँ बैठा है, बैठो इसमें। कौन से कॉलेज चले? हिंदू कॉलेज के पास पहले चल लेते हैं, ठीक है? वहाँ से उसके बाद हिंदू कॉलेज चले चले, ठीक है? आओ जी बैठो, ठीक है भाई। ब्लॉगिंग ऐसी जगह ले जाओ जहाँ क्या मिले, वो तो क्लास में मिलेगी। निकल चुका हूँ मैं अपनी राहों पे और एनर्जी भरना पड़ेगा आज वाली ब्लॉग में बहुत ज्यादा। देखता हूँ कैसे वहाँ पे परचम ले रहा है। आप पीछे की साइड, अरे भाई कॉलेज अगर देख, लो यहाँ से अपना दयाल सिंह ही बढ़िया। अबे तुमने अभी तो बस वो देखा, वे देखा है, अभी वहाँ सिस्टम देखो कैसा होगा। गर्ल्स को देख के शर्मा गया, ये बोलने के यहाँ पे गर्ल्स ऐसे क्यों घूम रही हैं? अरे यहाँ तो बहुत तहजीब है। दिल्ली पुलिस तो यहीं से लग गई है, लग रहा चेकिंग चल रहा आगे ज्यादा, इलेक्शन का माहौल है ना। देख बड़े बड़े बैनर लगा भाई, देख यहाँ से स्टार्ट हो गया। तो दोस्तों आज भी मैं फ्री में आ गया यहाँ पे कॉलेज में, पेशा निशानी पे करता है। नहीं भाई पे जो है ना मैं ही करता हूँ। यहाँ पे एक दिक्कत होगी भाई, आ तो गया हो लेकिन जाने के पैसे नहीं है। देखो चाचा राम राम, राम राम जी राम राम की वजह से पर पा रहे, चाचा की वजह से, चाचा सीयूटी क्रैक करवा रहे हैं क्या? एक्चुअली गर्ल्स का बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, ये सब तो आप जानते हैं, क्योंकि गर्ल्स के कहने पर मैंने उसका वीडियो अभी डिलीट करने वाला हूँ, 3 दिन से बोल रहा हूँ कर ही दूंगा। सुदामा की चाय, सुदामा की चाय किधर है भाई? हाँ मैं गुजर जाऊंगा फिर अंदर जाकर हट जाऊंगा। किसी का सगा नहीं है भाई। अरे कैसी बात कर रहा है, तू है किसी का सगा?
में अब हम हिंदू कॉलेज के और बढ़ने वाले हैं, हमेशा की तरह आज भी एंट्री नहीं मिली। आप जानते हो ना लगातार ये तीसरी दिन है, आज तीसरा दिन है, ये तो ऐसा ही लग रहा है एक ही के बारे में बात कर रहा हूँ। कोई नहीं भाई, अभी देखो बहुत ट्विस्ट है इस कहानी में। यहाँ तक मैंने चाय का बहुत बार रिव्यू दिया है, पूछ भी लेता हूँ इनसे कि बिक भी रही है या कम हो गई। अंतराज है, बहुत सारे कॉलेज यहाँ पे हैं, सबको एक्सप्लोर तो मैं आई थिंक कर ही दिया हूँ, बस कुछ और गिने चुने कॉलेज बाकी है। ऐसा लग रहा पैक उठा रहा हूँ। ठीक है, अब चाय तावड़े बिल्कुल बढ़िया चाय है रियली में। दयाल सिंह में तो ऐसा लग रहा पानी दे रहे हैं। पानी नहीं दे रहे इनका क्या? हाँ उबला हुआ पानी दे रहे हैं। ऐसे कैसे लोग रहते हैं? नाच चार किसी कारण नहीं हो पाएगा क्योंकि हम आपके लिए मेहनत करते हैं। गाइस, हिंदू कॉलेज के जस्ट साइड में भी एक कॉलेज है। एक्सक्यूज मी सर, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कॉलेज? इकोनॉमिक्स, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, एंड देयर साइड इज हिंदू कॉलेज। ओके, सो आई थिंक आई हैव टू स्पीक इन हिंदी। ओके, आई एम अ फाइनल ईयर सोशियोलॉजी स्टूडेंट एट द हिंदू कॉलेज। ओके, सो अभी और मैं मिलाता हूँ आपको स्टूडेंट से। एक्सक्यूज मी, नो नॉट इंटरेस्टेड। वुमेन देखो, आई एम वेरी सीरियस इन दिस व्लॉग। ये कैंटीन था, ये तो घुसते ही खत्म। यार मैं ये अंदर आया क्यों यार, ये तो कोई देखेगा ही नहीं। कमेंट करके गलत जाएगा, ये क्या दिखा दिया आपने। दिस साइड इज द डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। भाई इतना बेइज्जती मार रहा है ये लोंडा कॉलेज का। कह रहे अभी यहीं से पास आउट है, अभी यहाँ है। हाँ क्या लुमिनाई है कौन? यहीं से पास आउट हो आप? यहीं से पास आउट हो इसी कॉलेज से? काम करते हैं। अच्छा काम करते हैं। ओके थैंक। अंदर आ गया अभी। कहाँ है अंदर? Brain teaser vlog. Brain teaser vlog. Any person will be interested, then I will ask because I'm very few in real life and also in real life. Are you from this college? Yeah. Okay. Which course? Geography. Okay. Okay. So how can we? I like. मैं कितना मतलब number ले आऊँगा तो हो जाएगा? No. Oh, बंदर काट लिया इनको। वो देखो बड़ा हरामी बंदर ने कर दिया अटैक, तो मुझे भागना पड़ेगा यहाँ से। अस्पताल जैसा कॉलेज है ये। ब्लॉग तो बना दूँ इस कॉलेज पे, पर इस कॉलेज का नाम क्या है? बाकी तुम्हारे भाई में इतनी कॉन्फिडेंस है तो बिल्कुल कैमरा लेके निकल सकता है कहीं भी और किसी से भी कुछ पूछ सकता है, लेकिन ये दिक्कत है ना, सामने वाला बताता नहीं है। कौन है ये? बस यार वो मजा नहीं, दयाल सिंह में ही बढ़िया। अरे तो ये कॉलेज थोड़ी है पागल, ये तो हॉस्पिटल है। भाई शुभम चौधरी जिंदाबाद। ये हमारे क्रिस्टल भाई है अपने फरीदाबाद से, काफी युवा युवा नेता है, बहुत मेहनत करते हैं। दयाल सिंह में भी आए थे भाई वैसे कल। हाँ तो कल तो वहाँ अलग ही रोला कटा था। चार जो प्रेसिडेंट पोस्ट पर हमारे हितेश भुजे लड़ रहे हैं जिनका बैलेट नंबर 4 है, वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट पर जो हमारे लड़ रहे हैं उनका अभी भैया बैलेट नंबर 1 है, और जो सेक्रेटरी की पोस्ट पर लड़ रही है यक्षना शर्मा उनका बैलेट नंबर 6 है, और जो ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद पर लड़ रहे हैं शुभम कुमार चौधरी उनका बैलेट नंबर 5 है। हमारा पूरा परिवार कांग्रेस का बात कर रहे हो? अच्छा कर ले चलो भाई। देखो हमारी फाइनल के देखो मैं सही अलग ही माहौल है यहाँ पे, निकल गया मैं इन्हीं के बीच में, इन्हीं लोग तो ये देख सकते हो मैं इलेक्शन के मतलब जो कैंपेनिंग है उसी के सपोर्ट में आ गया हूँ। सिस्टम है वो कहाँ गए, वो पहले जो एनएसयूआई वाले गए थे वो हक गया, कोई नहीं देखो कैंपेनिंग। ये भाई को जानते होगे शायद आप, ये इंडियन एरिक भाई हैं यार, मैंने इसको तो कहीं देखेला लगता यार, देखेला लगता है मेरे को, मैंने भी तेरा थोबड़ा किधर सुनेला लगता है। आ तो गए हम इसके थ्रो, लेकिन जाएंगे किसके थ्रो? भाई पीछे जो देख रहा हूँ मैं इन्हीं लोग के थ्रो आया कॉलेज में। आप फ्रेशर हो भाई? अच्छा अभी आज पहला दिन आपका कॉलेज में? हाँ। अच्छा क्या नाम है भाई आपका? नमन। नमन भाई कैसा लगा कॉलेज भाई? रामजस रिव्यू दो आप। रिव्यू किस नहीं मतलब 10 में से रेटिंग दो, 10 में से कितने स्टार देना चाहोगे इस कॉलेज को? 8। 8 8 सेम लाइक। हाँ से बढ़िया। नमन भाई वो कहाँ से भाई? वो अमन नहीं, नमन आपका अपना नाम अमन है, इनका नमन नाम है। कितने स्कोर आए थे आपको CUT? 471। 400 में 471। 471 पे कैसे हो सकता है? इकोनॉमिक्स ऑनर्स में एसटी में होंगे। एसटी में अगर 471 भी आ जाते तो यहाँ एडमिशन। थैंक यू भाई। मौसम गर्माने वाला है, बस कुछ ही देर में कुछ भी देखने को मिल सकता है। सो यहाँ पे जितने भी भाई फ्रेशर आए हुए हैं, फ्रेशर भाई साहब आपके कॉलेज में आ गए और स्कोर भी बता रहा हूँ आपको, और देखा आपने कितने कम स्कोर पे भी यहाँ पे बच्चे एडमिशन ले पा रहे हैं। पहले से भी एक ब्लॉगर है यहाँ पे, मतलब दूसरे कभी ABBP वाले पार्टी आ रहे हैं और कभी NSUI वाले, तो यहाँ पे थोड़ा तगड़म है भाई। एक बार अभी ऐसा सुनने में आया है कि यहाँ पे मतलब सर्वर भी फटा है। इनसे कॉलेज मतलब कैसा लगा, कैसे आए आप इस कॉलेज में? इवेंट
कॉलेज में राजस्थानी इवेंट है। ओके ओके, और यहाँ का इलेक्शन आपको कैसा लग रहा है अभी देख रही हैं? ऐसा हुआ बहुत फन है, बहुत अच्छी वाइब्स है। इलेक्शन चल रहे हैं पूरा। ओके ओके, और आई थिंक डीयू की खूबसूरती इलेक्शन टॉप प्रायोरिटी पे रख सकते हैं, नंबर वन। ओके, तो आप कॉलेज का नाम बताएं, आप कौन से कॉलेज से? कमला नेहरू कॉलेज से। ओके, तो आपका कितने स्कोर आया था सीयूटी में जो वहाँ एडमिशन हुआ कमला नेहरू में? आप भी आ सकती हैं। ओके ओके, बहुत मेरा 701। और आपका 664 आया था स्कोर आउट ऑफ 800। ओके, कैटेगरी आपका जनरल। ओके ओके जनरल, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू फॉर इन्फॉर्मेशन, थैंक यू। मुझे नहीं पता था कि इंटरनेट से ऐसे परी डाउनलोड हो जाएगी। एक बार और मैं फिर से आ गया हूँ अपने कैंटीन में, क्या रामजस के कैंटीन में, और रामजस का कैंटीन काफ़ी खूबसूरती से भरा हुआ है। ये लाइटिंग वाइटिंग नहीं है यहाँ पे यार, इसको भाई टाइम मत पूछो भाई, टाइम बहुत खराब चल रहा है। बहुत गर्मी के कारण मुझे यहाँ से निकलना पड़ा है ना आयुष, इससे बड़े तो भाई लाख रुपए। इलेक्शन की वजह से तो हम अंदर आ गए हैं, लेकिन नॉर्मल डे में भी आ जाता, लेकिन यहाँ के घाट बहुत अच्छे हैं। मैं सबसे ज़्यादा अच्छा अगर घाट बोलूँगा तो यहाँ बेस्ट गार्ड। मैं क्यों समझा रहा हूँ तुमको, देख लो भाई दोबारा उसी जगह पर आ गया हूँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे इस बार क्राउड है, पिछली बार तो आया था तो सब कुछ, पिछली बार सब खाली था, लेकिन इस बार जो है ना ऑडियंस बड़ी बड़ी है, जितने भी नए नए बालक हैं सारे पहुँचने पड़े भाई इस कॉलेज में। शाम बदल गई है, वाह शाम ढलने वाली है, नज़ारा बदल गया है, कल कोई नहीं था आज सब कोई है। अरे वाह वाह वाह, क्या शेर, आपने पिछली बार भी शेर बहुत यहाँ पे बोला था और इस बार भी, तो देख सकते हो ये रामजस की बिल्डिंग है। और इतनी जल्दी कैसे निकल रहा है भाई, इतनी जल्दी, अभी तो व्लॉग स्टार्ट भी नहीं हुआ, अब स्टार्ट होगा यहाँ से। तो भाई पिछली बार क्राउड नहीं था, लेकिन इस बार क्राउड है रामजस के अंदर में, तो रामजस में आके बहुत ही मज़ा आया। और आई थिंक पिछली बार मेरे पास माइक था या नहीं था ये भी पता नहीं था, तो देख सकते हो ये है रामजस कॉलेज, और रामजस कॉलेज के अंदर हम आ चुके हैं। गार्ड से बोल के ना तुझे बाहर करवा दूँ, चुपचाप इसी कॉलेज में रहा भाई, जो मेरा दोस्त आया वो जाने की होड़ लगा रखा। अरे मेरे को काम है यार भाई, भाई काम हो या कुछ भी हो इससे बढ़कर कोई काम है? डॉलर चाहिए नहीं चाहिए तुझे? हमारे दो फ्रेशर भाई मिले हैं, आप नाम क्या भाई आपका? सुमित भाई। आपका भाई? पीयूष भाई। आज आपका पहला डे है भाई कॉलेज में? एक हफ्ता हो गया। अच्छा, 1 वीक हो चुका है। तो भाई कौन सा कोर्स है आपका? मेरा तो इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स। आपका? मेरा पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स। आपका पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, कितने स्कोर आए थे आपके? मेरा 773। 773 आउट ऑफ 800। यस। अच्छा, और आपके? मेरे 501। 501। भाई कैसा लगा माहौल कॉलेज का, कितने स्टार देना चाहोगे 10 में से इस कॉलेज को? कॉलेज को 10 में से आई थिंक 9 दे देना चाहिए यार। 8.5 8.5 कुछ तो। क्या अच्छी चीज़ नहीं लगी है अब आपको कॉलेज में? कॉलेज के क्लासरूम्स के इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, क्लासरूम के सब इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा लगा आपको? और क्या क्या अच्छा लगा? इलेक्शन कैसा लगा आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी का? मतलब पूरे दूसरों का कैसा इलेक्शन है? इलेक्शन बढ़िया ये हो क्या है, यहाँ पे कुछ होने वाला है क्या? यहाँ पे एक इवेंट जी भाई, ये वही जगह है जहाँ पे मैं आया था फर्स्ट टाइम, लेकिन उस टाइम में कॉलेज बंद था, और आज काफ़ी क्राउड भरा हुआ है, तो अच्छा लग रहा काफ़ी कॉलेज, अब रौनक पता चल रही है यहाँ पे, मतलब क्या ब्यूटी है इस कॉलेज की, शाइनिंग एकदम, जिधर देखो ब्यूटी ही ब्यूटी, टू मच ब्यूटी। आप भी फर्स्ट ईयर में भाई? थर्ड ईयर राघव। अच्छा, बता सकते हो कुछ स्टूडेंट को कॉलेज के बारे में, कॉलेज का आप कुछ एक्सपीरियंस बताओ 3 साल में? हाय गाइस, मेरा नाम हिम्मत है और मैं रामजस कॉलेज का हिंदी ऑनर्स का स्टूडेंट हूँ। मैं इस कॉलेज में 2 साल गुजार चुका हूँ, मतलब गुजार नहीं जी चुका, जी चुका बड़े अच्छे से। ये कॉलेज काफ़ी अच्छी है और 1917 से, मतलब काफ़ी पुरानी कॉलेज है दिल्ली विश्वविद्यालय, जब दिल्ली विश्वविद्यालय के पहले भी 3 कॉलेज हुआ करती थी, हिंदू कॉलेज, रामजस कॉलेज, सेंट स्टीफन। तो हम बड़ी सौभाग्यशाली की हम रामजस कॉलेज के स्टूडेंट है। गाइज यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर वो काफ़ी अच्छा है, सारी सुविधाएं बड़ी अच्छी है, और नॉर्थ कैंपस में होना और उसमें भी एक इसका अलग ही वजूद है, एक अलग ही वजूद है। और जब अब इलेक्शन चल रहे हैं तो आप देख ही सकते हैं कि देख सकते हो कॉलेज का कैसा माहौल है, रोला काट दिया। और अभी आज देखिए राजस्थान के लोग यहाँ पर अपना स्नेह मिलन समारोह मना रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा प्रोग्राम आयोजित किया गया है। ओके, ठीक है, यहाँ पे प्रोग्राम आयोजित किया गया है। बाय द वे थैंक यू सो मच भाई, गर्मी बहुत हो रही है तो भाई गर्मी के कारण मैं ज्यादा इंटरव्यू ले नहीं पाया। मेरे दोस्त कहाँ है, कहाँ चले गए यार? अबे इधर तो आ, आप भी फर्स्ट ईयर? हाँ भाई।
अच्छा, पहले दिन आपका? अच्छा, कैसा लगा आपको कॉलेज में, मतलब आकर? फाइट हो गई थी तगड़ी वाली? बहुत तगड़ी। जी वैकेंसी शुभम भाई की। अच्छा अच्छा, पता नहीं किसने खोल दिया उधर, सर्वर भी खोल दिया किसी का? परसों तो फायरिंग भी चली। अच्छा, फायरिंग भी चली कॉलेज में? कॉलेज है क्या है भाई, कुछ भी कुछ भी हो रहा भाई। बाकी कॉलेज कैसा लगा? अगर ये 10 में से कितने स्टार देना चाहोगे? गर्मी लग रही है भाई, भाई स्टार तो 10 में से अभी 6 दे देंगे। 10 क्योंकि मैं तो किरोडी मल गया हूं, तो मैं ज्यादा सस्पेंस था भाई, आप मुझे लगा इसी कॉलेज। ओके भाई, किरोडी मल में कितने स्कोर आए थे आपके? मेरा भाई 706 आया था। 706 Out of 800. ओके, थैंक यू भाई। धूप यहाँ पे बहुत तेज है यार, जब भी आता हूँ धूप ही बहुत होता है, लेकिन ऊपर वाले अपना लाइट थोड़ा। एक्सक्यूज मी, आप यहाँ के स्टूडेंट हो? काम के आपके कितने स्कोर आए थे आपके कॉलेज? 780 आउट ऑफ 800। दौलत राम बहुत अच्छा कॉलेज, वहाँ भी जाऊँगा मैं। 600 फिर भी हो गया उसमें आपका? 600 का आपका? 600 सेम कोर्स? बीए प्रोग्रामिंग स्पेसिफिक। मैं भी बीए प्रोग्राम, आई एम फ्रॉम दयाल सिंह कॉलेज। ओके, तो थैंक यू सो मच। कैटेगरी बता दो आप। PWS जनरल कैटेगरी। थैंक यू, नाइस टू मीट यू। एक और भाई पास आउट है इस कॉलेज के, तो भाई आप अपने एक्सपीरियंस बताओ, कैसा लगा अभी तक आपको? पास आउट ना? बिल्कुल। कब किया था आपने? देखिए, मैंने 2018 से 21 में ग्रेजुएशन किया है, उसके बाद अभी 21 से 23 में रामजस से ही मास्टर्स अभी कंप्लीट हुआ है। PhD करूंगा यहीं से, DU से ही। और रामजस का कल्चर काफी अच्छा रहा, काफी अच्छा। हाँ, आप अभी जैसे आज ये राजस्थान का कार्यक्रम देखो, राजस्थान का ऐसे कार्यक्रम इधर हो रहा, 2 दिनों बाद पूर्वांचल का, यानी कल ही पूर्वांचल का कार्यक्रम होने वाला है। उसके बाद में सबसे बड़ी चीज क्या होती है यहाँ पर, जैसे मान लो अब तो हम पास आउट हैं, जो फ्रेशर्स आते हैं यहाँ पे, उनको सबसे बड़ी चीज क्या मिलती है कि यहाँ के सीनियर्स इतने कोऑपरेटिव हैं कि आते ही उनको कोई नोट्स चाहिए हो या ना, ये तो बात नहीं है, बढ़िया। लगभग रामजस के हर फ्रेशर ये फील करता है। सोसाइटी कैसी है यहाँ की रामजस की, आप बताएंगे? डांस सोसाइटी बहुत अच्छी है, जो एक्टिंग सोसाइटी है बहुत अच्छी है। NSS ने तो, मैं NSS का प्रेसिडेंट रहा हूँ रामजस में 2019 में। अच्छा अच्छा, तो उसने बहुत अच्छे से काम किया, अभी भी NSS बहुत अच्छे से काम कर रहा है। NCC भी शुरू हुआ है रामजस में। उसके अलावा वर्ल्ड क्राफ्ट जो लिटरेरी सोसाइटी है, डिबेटिंग सोसाइटी, डेपसॉक, तो जिनका जिस क्षेत्र में रुचि है उस क्षेत्र में जा सकते हैं। ओके, और काफी अच्छा एक्सपोजर बहुत मिलता है, फैकल्टी बहुत अच्छी है, स्टूडेंट स्टार देख सकते हो आप, रेटिंग दे सकते हो इस कॉलेज की। मेरा खुद का कॉलेज रहा है, 10 में से 10 स्टार। अब ऐसी बात है, थैंक यू भाई, थैंक यू, थैंक यू। थकने के बाद आई थिंक हमें फिर से अपने कॉलेज चले जाना चाहिए। यहाँ कोई इवेंट था क्या कॉलेज में? अभी अब होगा यहाँ इधर तो नाइट में यहाँ पे कुछ डांस वांस भी होगा या बस कुछ ज्यादा ट्रेडिशनल? कौन सी है उसी कॉलेज में आप? अच्छा छोड़ो, वो तो मैं भी नहीं आ रहा हूँ, नहीं पूछता हूँ। ओके ओके, तो आप के कितने स्कोर आए थे CUET में? अरे बता सकते? मैं थर्ड ईयर में। आप? मैं भी बोले इतना एक्सपीरियंस कैसे आप? आप फोर्थ थर्ड ईयर में? ओके थर्ड ईयर, व्हाट्स योर नेम? रेखा। ओके, आपका? जया। ओके, आपका? आपका नाम? ओके, नाइस नेम, नाइस नेम टू ऑल यू। किसको फॉलो करा हुआ तो एक बार बोल। आप सबके चैनल है? नहीं, लिंक्डइन अकाउंट है। अच्छा, नाम बता दो अच्छे से। सुमित्रा मंडा। सुमित्रा मंडा, लिंक्डइन पे? या तो यूट्यूब पे भी है? है आपका? कोलैब कर लो, ऑडियंस बहुत देख रही है हमें। वैसे 3-4 कोलैबोरेशन के पहले आ चुके। चलो भाई, नहीं लाइव नहीं है, एडिट तो वो कर, एडिट कर, ऐसा फिल्टर लगाऊंगा ना, आईफोन भी पगला। आईफोन में भी उतना बढ़िया फिल्टर नहीं आता 15 में। ब्रेन टीजर व्लॉग, ब्रेन टीजर व्लॉग को आप सब्सक्राइब कर, एक बार बोल दे ऑडियंस को, ब्रेन टीजर व्लॉग सब्सक्राइब कर लो, लाइक भी कर देना। अरे थैंक यू सो मच कॉलेज से आए, आप देख सकते हो। अगर जनता को यहाँ बुला रहा हूँ, उसी से इंटरव्यू ले रहा हूँ, तो ये सारी गार्गी कॉलेज से हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, थैंक यू। आप इधर दिखाओ गार्गी कॉलेज, चेहरा तो दिखा दो भाई, सब्सक्राइब कर देना इनका चैनल। टाइम देखना तुझे जरूरी है।
लोग क्या सजा रहा है। रोमियो एंड जूलियट की जगह पर आ गया भाई, यहीं का थंबनेल तो लगाया था। एक्सक्यूज मी, हेलो, आप इसी कॉलेज से? नहीं, कौन से कॉलेज से आप? KMC। आप भी? मैं भी दयाल सिंह से हूँ, मैं कंफर्म कर देता हूँ, कहीं आप लोग हो रही होंगी। ओके, आपके सीयूटी देकर हुआ था, कौन सी ईयर में आप? पीजी वाले, मास्टर्स वाले। बाप रे, मैं किससे मिल लिया। अरे बाप रे। ओके, थैंक यू। कैसा एक्सपीरियंस है आपके कॉलेज का? बढ़िया है। कॉलेज जाना नहीं पड़ता। कॉलेज जाते नहीं आप? डिपार्टमेंट में लगती क्लासेस। अच्छा, डिपार्टमेंट में लगती है। कॉलेज जाते हैं। अभी तक का आपके लाइफ का बेस्ट अगर एक्सपीरियंस मांगे तो कॉलेज लाइफ? नहीं, स्कूल लाइफ। स्कूल लाइफ, स्कूल लाइफ, स्कूल लाइफ इज बेस्ट। ओह, थैंक यू, थैंक यू। तो नहीं, बंद गया वे कंटेंट बढ़ने दे। ग्रेट ग्रेट, देख सकते हो पोज। कौन सी फैकल्टी के भाई? तो अब मैं पूरे ग्रुप से मिलाता हूँ आपको, रामजस के पूरे ग्रुप से मिलाता हूँ। देखो रामजस में कैसे स्टूडेंट पढ़ते हैं, और रामजस के ग्रुप से आप जो मैं मिलाना स्टार्ट करता हूँ। हाय भाई, क्या नाम है भाई आपका? काव्य नाम है। बोंजूर। नमस्ते, नमस्ते। हेलो हेलो हेलो, मैं कहाँ का लग रहा हूँ? मैं इंडियन हूँ भाई। क्या नाम है आपका? अच्छा, फर्स्ट ईयर? आप सब भी आ सकती हो? आप सब भी नहीं? नॉट इंटरव्यू। अच्छा अच्छा, ओके ओके, कोई दिक्कत नहीं। मैंने इंटरव्यू वैसे ले लिया था, आप ही लास्ट हो। आप जल्दी जल्दी तो कुछ क्वेश्चन पूछ लूँगा, आप जवाब दे देना, ठीक है भाई? आपके कितने सीयूटी स्कोर आए थे? सीयूटी अप्रॉक्स 600। 800 में से 600। ओके, कैटेगरी कौन सा था आपका? ओबीसी। ओबीसी कैटेगरी। ओके, आपका? 789। कैटेगरी? जनरल कैटेगरी। देख रहे हो स्टूडेंट, जनरल कैटेगरी का, और इतने पे भी एडमिशन हो जाता है। मतलब 700 अगर नंबर ले आए स्टूडेंट तो उसके एडमिशन हो जाए। 600। अच्छा, बाय द वे, वेयर आर यू फ्रॉम? लोकली यूपी, जगह बता दो। अमरोहा? बनारस। बनारस, बनारस के हो तुम? कानपुर, बनारस, हमारे दोस्त भी वहीं के। आप कहाँ के भाई? बिहार। दरभंगा जिला? समस्तीपुर। मैं वहीं से, दरभंगा जिला। सब इंट्रोड्यूस। आप कहाँ से? बुलंदशहर। फर्स्ट ईयर में भाई आप? हाँ भाई। कैसा लगा भाई आपको रामजस में आकर? बहुत बढ़िया लगा भाई, बस इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है। बिल्कुल, जो भी हो ना, बहुत बढ़िया। दयाल सिंह के भी स्टूडेंट छुट्टा सांड जानते हो ना, वही है, मुंह पे ही बोलते हैं। बिल्कुल भाई, ये मुंह पे ही बोलते। वैसे आप है कहाँ से भाई? मैं वैसे तो दिल्ली में रहता हूँ। दिल्ली में? हाँ, मैं भी रहता हूँ। आप है कहाँ से वैसे? बिहार से। बिहार से, सेम लाइक आई एम ऑल्सो बिहारी, एंड आई एम प्राउड ऑफ माई बिहार, यूपी एंड ऑल ऑफ द स्टेट। ओके, सो आपके कितने स्कोर आए थे सीयूटी? मेरे आए थे 569 आउट ऑफ 800। कैटेगरी? ओबीसी कैटेगरी। ओके, हो जाते हैं, बढ़िया स्कोर थे। थैंक यू सो मच। और भी स्टूडेंट से कुछ पूछता हूँ, पूछने लायक तो है चैनल ब्रेन टीजर व्लॉग भाई। तो और भी स्टूडेंट है यहाँ पे। अरे विशाल, ये अपना दोस्त दिया, क्या कर रहा है? अरे कब आया भाई? हाय हाय, ये देखो गाइज, मेरा दोस्त विशाल। मैं पीयूष वाला व्लॉगर नहीं हूँ, अपन थोड़ा है मतलब प्रोफेशनल। और कहाँ अपने बंदे और भी आए कॉलेज के? कॉलेज के आए, राजस्थान वाले हैं, कोई फंक्शन हो रहा है। ओके ओके, इसलिए आयो? हाँ। भाई राजस्थान के हैं, कहीं भी राजस्थान का फंक्शन होता है अपना फंक्शन छोड़ देते कॉलेज के, लेकिन वहाँ जरूर पहुँचते हैं। सही बोला ना? सही बात, आस पास हूँ मैं। नाम क्या है? ब्रेन टीजर व्लॉग स्टूडेंट बोल रहा भाई, दयाल सिंह कॉलेज। सारे दयाल सिंह से, एक और दयाल सिंह से अभी आए, लेकिन राजस्थानी भाई, लव इट। आई एम फ्रॉम वैसे दिल्ली छः, बट ओरिजिनली बिलोंग टू दरभंगा। हाँ, दरभंगा जिला। नो नो, अरे मैं उत्तराखंड से। ये उत्तराखंड से हैं? सेम, वसुधैव कुटुंबकम, वन नेशन वन थ्योरी, सॉरी वन अर्थ वन फैमिली। कुछ दिन बाद हम दयाल सिंह के अंदर ही कुछ बड़ा इवेंट रखने वाले हैं, जिसमें कुछ बहुत बड़ा, बहुत ही बड़ा, लाइक कुछ गेम खिलाएंगे वहाँ पे, और जो बाहर के जो भी डीयू के स्टूडेंट है, बस डीयू को अलाउ करेंगे, डीयू के स्टूडेंट को वहाँ बुलाएंगे, और वहीं गेम खिलाकर उसे प्राइज देंगे अगर वो जीता तो। और वो सब रिकॉर्ड होगा, 35 मिनट का वीडियो बनेगा वहाँ पे, वो रिकॉर्ड हो जाएगा, वो अपलोड होगा। और ये जल्दी लॉन्च होगा, जो हमारे अमन भाई करेंगे, अमन भाई डायरेक्टर, इस पर अभी काम चल रहा है। सरक से उठा के स्टार बना देते हैं। क्या नाम है आपका? इस्लाम खान। इस्लाम खान, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जिशान। आपका नाम? गर्वित यादव। ओके, फर्स्ट ईयर?
कितने कितने स्कूल आए थे आप? हंसराज से हो? मैं गया था आपके कॉलेज में, किरोड़ी मल भी गया, हंसराज भी गया, लेकिन जब स्टूडेंट नहीं थे, मतलब स्टूडेंट नहीं थे जब मैं गया था। इधर आ जाओ, लाइटिंग इधर से आ रही है। कैसा लगा यहाँ के? अभी अभी आओ ना उस कॉलेज में, क्या कुछ देखने को मिला आपको कॉलेज में? बिल्डिंग काफ़ी अच्छा लगा। बिल्डिंग बढ़िया, लेकिन मैं हंसराज में गया ना यार, मेहमान नवाजी नहीं हुई वहाँ मेरी बढ़िया से। हंसराज के मतलब सार उस दिन आए नहीं थे ना पब्लिक, इसलिए गर्मी का मौसम था और आए नहीं थी पब्लिक इसलिए। चलो स्कोर बताना भाई, 800 में से कितना है आपके? 700। 800 में 700? 700 नहीं है। नहीं है? एक बार एक मिनट में याद करो। 520 है। 520 है। फिर कौन सा कॉलेज हो गया? किरोड़ीमल। किरोड़ीमल 520 में? इम्पॉसिबल, पक्का जनरल कैटेगरी नहीं होगा? जनरल कैटेगरी नहीं, ओबीसी। हाँ तब मिल जाएगा, तब मिल जाएगा आपका। ओबीसी है, 700 आए थे ओबीसी हंसराज। हाँ तो सही है, फिर मिल जाएगा। जनरल वाले को दिक्कत होती है। थैंक यू। पूछा भाई आपने इंडियन एयरिक है ना, उसका करियर खाऊंगा, रुक जाओ मैं। हाँ ये नहीं, ब्लॉग में ही करियर खाऊंगा उसका। गाइस बहुत ही अच्छा व्यू आया यहाँ से कॉलेज का भाई, धूप में एकदम पागल होकर बनाया मैं व्लॉग। यहाँ पे का सीन आपको याद होगा, जब मैं उस ट्राई पे बिना ट्राईपोड का बनाता था, और पहले मैं गरीब था, लेकिन जब मैंने इंग्लिश सीख ली तो मैं पुअर हो गया। बहुत तेज हो रहा है। ग्रेट, कौन सी पार्टी है आपकी? जा सॉरी। ओह मुझे लगा इलेक्शन से, सॉरी सॉरी सॉरी। आओ साहिल सिंह। कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत प्यारे लग रहे हो आप सारे। बुरा ना लगे, सब बता दिया। ऑपोजिशन पार्टी कौन सा है? फर्स्ट ईयर आपका? नहीं, थर्ड ईयर है। तो आप तक टीवी देखा नहीं होगा आपने? नहीं, हमने तो मैं हमने सेकंड ईयर आपने देखा। सेकंड ईयर कितने स्कोर आए थे पहली बार आपके? याद नहीं है? ईयर ब्लॉगर। या आई एम अ प्रोफेशनल ब्लॉगर फ्रॉम द हेल्सिंग कॉलेज। दयाल सिंह का इलेक्शन बहुत ही रोला काट था। इलेक्शन के बारे में, डिपार्टमेंट के बारे में, डिपार्टमेंट ही बढ़िया, वहाँ मेहमान नवाजी मिलेगी आपको। बहुत डिपार्टमेंट ही बहुत अच्छा, वहीं की बात बता रहा हूँ, डिपार्टमेंट भी बहुत बढ़िया वहाँ का। भाई को सब्सक्राइब करो, ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच। आप भी बोल दो सब्सक्राइब। कौन सा कोर्स है भाई? ब्रेन टीजर व्लॉग। ब्रेन टीजर व्लॉग, नाइस टू मीट यू गाइस। सब्सक्राइब कर दो। आपने देखा? नहीं देखा नहीं, लेकिन अच्छे बनाते हैं। ये कैसे भाई? मैं पहचान जाता आदमी को। सही में फर्स्ट ईयर हो गया? आप भी फर्स्ट ईयर? आप फर्स्ट ईयर? कोर्स कौन सा? मैं सेकंड ईयर। बीए प्रोग्राम। कितने स्कोर आए थे सीयूटी आपके? हाँ आपके, आप तो थर्ड ईयर के लग रहे हैं। फर्स्ट ईयर। ओके, नाइस टू मीट यू सर। व्हाट्स योर नेम? शैलेश। शैलेश भाई आई, थैंक यू। आपके स्कोर नहीं पता है आपको? 722। जनरल कैटेगरी? आपके आपके कितने कैटेगरी? कर दो ना ऑडियंस तो देख। जब मैं रिवील अपना चेहरा कर दिया, कर रहे थे भाई, बढ़िया था भाई आपका सीन। सनी देओल। अरे सनी पाजी। सनी देओल सी बॉडी रे। खाना छूट रहा है हमारा। ओके, खेल के बाद भूल मत जाना हमको, ठीक है? नहीं नहीं, वो तो बात भूलने की है। अरे नहीं बोलूंगा। नहीं भाई। Hey bro, nice to meet you. What's your name? My name is Ayushman. आपको ऐसा वीडियो बनाने में इंटरेस्ट है? बहुत ज्यादा। So yeah, तो हमारे कॉलेज में इवेंट हो रहा है क्रिएटर थॉन। ओके, ये दूसरे कॉलेज के कर सकते हैं ज्वाइन? आपका कॉलेज पहले बताइए कौन सा है? ये आर्यभट्ट कॉलेज। आर्यभट्ट कॉलेज है, आप वहाँ बुलाओ हमें भाई। 1,00,000 रुपए का टिकट। पूरा रामजस, दयाल सिंह और जितने भी स्टूडेंट हमसे अभी तक जुड़े हुए हैं सी यू टी वालों, भाई ये हम तीनों बीच में रहे ज्वाइन कर रहे हैं। यही बोलना आप भी करो, इवेंट ज्वाइन कर। मैं तो ज्वाइन कर लेता हूँ सोसाइटी ज्वाइन इवेंट में आना है, और इसमें और भी कल्चरल एक्टिविटीज भी होगी। ओके ओके, उसके अलावा केस स्टडी कॉम्पिटिशन कर रहे होंगे। ओके ओके, तो यहाँ पे कल्चर सोसाइटी होगी और यहाँ पे इवेंट में आपको आना। मैं आऊँगा इवेंट में। ओके, दयाल सिंह से अपनी पूरी कम्युनिटी है हर कॉलेज में। स्कोर बता दें आप। स्कोर
सीयूटी स्कोर नहीं हम थर्ड ईयर थर्ड ईयर ओके थैंक यू ओके ग्रेट थैंक यू स्कैन कर ले भाई इसको रजिस्टर कर ले एक्सक्यूज मी हेलो आर यू फ्रॉम दिस कॉलेज नो हंसराज कॉलेज ओके आई ऑलरेडी विजिट देयर देखो भाई यही था कॉलेज चले 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 बस चल रहे एक बार उनका शॉट और ले ले किनका पीआर का भाई बरात डायरेक्ट यहाँ पहुँच रहे हो रामजस में अरे भाई राजस्थान से भाई मुझे पता था हर राजस्थानी भाई आज हमारा इवेंट है यहाँ सारे भाई विशाल भाई भी पहुँच चुके हैं अपने कॉलेज के सारे बंदे नहीं भाई उधर ही हैं प्री सपोर्ट सुशांत वेंकट फिल्म पोस्ट वाइस प्रेसिडेंट नंबर 4 एबीवीपी फ्रॉम एबीवीपी ओके थैंक यू जनता डिसाइड ओके सपोर्ट फॉर सुशांत वेंकट ओके वो पेन ओके भाई पेन मिला बहुत बेनिफिट हुआ हमारे इस कॉलेज में आकर और बहुत देख सकते फुल सपोर्ट थैंक यू घर जाने के बाद बैठ तो भाई ये देख रहे हो ये पीछे रामजस कॉलेज था रामजस से मैं निकल गया और बहुत मज़ा आया भाई स्टूडेंट से बहुत सारे अच्छे अच्छे स्कोर पूछे और अपना कंटेंट भी हो गया और ऑडियंस का काम भी हो गया होगा एस्पिरेंट का सीयूटी स्कोर मिल गया और मुझे कंटेंट मिल गया पेन देखो इधर घुमाना पेन दिया है एबीवीपी वालों ने लेकिन एंट्री दी थी भी एबीवीपी वालों ने है ना तो इसीलिए हम इस बार वोट करेंगे गुलिया पार्टी बदल लिया साला हम जो है ना दिल से किसी को सपोर्ट नहीं कर रहे मेरा मतलब दिल से सभी को सपोर्ट कर रहा हूँ बस यार वो है हम इस बार वोट नहीं सकते क्योंकि हमारी फील्ड वो नहीं क्लियर नहीं तो यार इस बार जो है ना भाई अपने डिसाइड से वोट जो आपको पार्टी अच्छी लगे उसको वोट करना हमारा कुछ नहीं भाई हम तो सिंपल सा बोलो करो सरकार मेरे से क्या है बाकी आप डिसाइड कर लेना बस मैं यही कहना चाहूंगा अच्छा नॉर्थ कैंपस की कुल्फी ये मैं अपना जो पहले यही कर रहा था मैं लेकिन अब मैं ब्लॉगिंग में आया हूँ क्योंकि प्रैक्टिस हुई थी वहीं से मम्मी कॉल कर रही है मम्मी की बात माननी पड़ेगी तो मैं चाह रहा हूँ भाई अपने घर ओके तो ब्लॉग पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना थैंक यू वंदे मातरम जय हिंद